और पूरे यूपी का डॉन था, अच्छा हुआ मरा। गुंडा दबंग थे ना, सारी दबंगी योगी जी ने निकाल दी। योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी बाबा जिंदाबाद। कर्मों ने मरवाया, विपक्ष क्यों मरवाएगा? मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है ना, मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, स्वागत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और जिस तरीके से लगातार कई दिन बीत जाने के बाद भी अतीक अहमद जो मर्डर केस है उसको लेकर लगातार जो लोगों में है और बातचीत जा रही है, लोग लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से गुंडाराज उत्तर प्रदेश में खत्म किया जा रहा है, ये क्या जो तरीका है, ये सही है गलत, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो इस हत्या को कैसे ले रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हम लगातार कई वीडियो कवरेज कर रहे हैं, लोगों का सर्वे कर रहे हैं, लोग लगातार एक और कई पक्ष लोगों के सामने आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गुंडे का अंत होना चाहिए था, तो वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल अतीक अहमद की हत्या होती लेकिन कानून के तहत अगर कार्रवाई होती तो दिल को सुकून मिलता, संतुष्टि मिलती। लेकिन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका दिल इस पर क्या कहता है अतीक अहमद की हत्या को लेकर। सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ। हाँ, लोग तो बोल रहे हैं कि गलत हुआ, योगी जी ने मरवाया, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अब मैं बदमाशी करने लग जाऊं मेरे को तो कोने को अक्कल लेगा ना। और पूरी यूपी का डॉन था, अच्छा हुआ मरा। मतलब गुंडा राज खत्म हो रहा है? हाँ, गुंडा राज खत्म हो रहा है। हाँ, यूपी के रहने वाले? मैं रहने वाला यूपी का हूँ लेकिन दिल्ली में रहता हूँ, काम करता हूँ। यूपी के रहने वाले? अच्छा, यूपी में जो एनकाउंटर चल रहा है बार बार और कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है, उसे लग रहा है कानून व्यवस्था सुधर रही है? बिल्कुल सुधर रही है जी। ये गुंडा दबंग थे ना, सारी दबंगी योगी जी ने निकाल दी और बहुत अच्छा राज कर रहा है योगी। हाँ। अखिलेश कह रहे हैं गुंडा राज बढ़ गए हैं। अखिलेश जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अखिलेश के जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे यूपी के, हम लोगों की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं होती थी। अच्छा। यादव बहुत पंडितों पे, सातों जात पे अत्याचार करते थे। अच्छा। हाँ, देखा अपनी अपनी आंखों से? आपने आंखों से देखा? मेरी 65 की उम्र है, मैंने आंखों से देखी है अखिलेश की बदमाशी। तब यादव होगी खुद बदमाशी होती? हाँ जी, हाँ जी, फुल बदमाशी यादव होगी। आज कोई किसी से दबता नहीं है, यूपी में योगी है, कोई पैसा वाला हमसे जो मेरा जबरदस्ती काम कर मजदूरी कर, हम नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। यादव कह रहे हैं कि अब गुंडागर्दी बढ़ गई है? नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं। गरीबों का काम किया, गरीबों की मदद की? क्या मदद की गरीबों की? मेरे को 1 रुपए दिया अखिलेश यादव जी ने या किसी योगी जी ने या मोदी जी ने? मजदूरों के बारे में किसी ने सोचा है? मोदी या योगी या केजरीवाल, किसी ने सोचा मजदूरों के बारे में? मोदी ने नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। योगी की तारीफ कर रहे हैं? योगी तो अच्छा काम कर रहा है यूपी में। अच्छा, तो अतीक अहमद सही मारा? बिल्कुल सही मारा जी। लोग ये कह रहे हैं कि जिसने मारा वो भी गुंडा ही था, तो कैसे इंसाफ हो गया? इस चीज की जी मेरे को मालूम नहीं, जिसने मारा वो गुंडा या पुलिस वाले ने मारा, इस चीज की मुझे पता नहीं। मारा आम भीड़ से किसी एक ने आके बंदूक मार दी, मीडिया पर्सन बन के मार दी होगी जी, इस बात की मार। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। गुंडा का राज और बढ़ने क्या? बढ़ जाए, खत्म कर देगा योगी इसको गुंडा राज। हाँ बिल्कुल, खत्म कर देगा गुंडा राज। पर अतीक का बड़ा बेटा धमकी दे रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे। अरे बाप रे, कैसे कर देंगे? वो हमारे पास आएगा, गुंडे ही दिखाएगा तो हम खत्म करेंगे। वो कह रहा है कि जेल से बाहर आऊंगा तो बदला लूंगा मेरे पिताजी का, भाइयों का। हम अपने पूर्वजों का बदला लेंगे उनसे। हाँ और क्या, हमारे साथ कमल अत्याचार करे, हमारी बहन बेटियों को छेद तका, ये करा, हमारे साथ कम किया उन्होंने। हाँ। तो ये तो है, हवा है, कभी किधर की चल गई, कभी किधर की चल गई। क्या लगता है उमर अहमद का भी एनकाउंटर होगा कि? वो तो टाइम बताएगा जी। हाँ। सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया। सपा RLD सब गठबंधन कर रहे, तैयारी कर रहे कि चुनाव में जीता जाए, क्या लग रहा है जीत पाएंगे मिलके? नहीं जीत पाएंगे। योगी बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा जिंदाबाद। जोर से बोल। योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी बाबा जिंदाबाद। जोर से बोल। हाँ मोदी रहेगा। हाँ मोदी रहेगा। जो अतीक अहमद अभी मारा गया है, क्या कहिए? बढ़िया काम हुआ है। हाँ। बहुत बढ़िया काम हुआ है, इसने बहुत अत्याचार करे अतीक अहमद ने। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि दरअसल कानून के तहत अगर सजा होती तो ज्यादा सुकून मिलता दिल को। अरे जिसने इसने लोगों को इस बुरी तरह मारा है तो इसको ऐसी मौत मिलनी चाहिए थी, सही हुआ ये। और जिसने मारा है वो भी तो गुंडे होंगे? वो गुंडे होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे, अगर वो गुंडे होंगे तो पकड़े जाएंगे, बढ़िया आदमी होंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे। काम तो बढ़िया हुआ है ये तो मरना ही चाहिए था, इतने बहुत अत्याचार करे लोगों के साथ। हाँ। लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम जो अतीक अहमद का साथी का था उसने मरवाया, कि उसके राज ना खुल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ।
क्या लगता है किसने मरवाया? हमें तो बढ़िया लगता है कि ये काम बढ़िया हुआ। क्या लगता है किसने मरवाया? लोग बोल रहे हैं कि विपक्षी बोल रहे हैं कि मुझे कर्मों ने मरवाया और किसने मरवाया, उसने कर्म इतने बुरे करे उसके कर्मों ने मरवाया, विपक्ष को मरवाएगा? विपक्षी बोल रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। विपक्षी तो बोलेंगे ही, क्योंकि उन्हें तो बीजेपी से जलन होती है, इसलिए बोलते हैं विपक्षी। विपक्षी तो इसलिए बोलते हैं, उनको जलन होती है उनसे, मोदी योगी इनसे। वो बढ़िया काम कर रहे, तो उनसे बढ़िया काम करने वाले को टिकने कौन देता है? देश के लिए सबसे बढ़िया काम जो मोदी ने किया है, चीन पाकिस्तान उनको इतना, अपने जो फौज को इतना हथियार मोदी ने दिया, आज तक किसी ने दिया? और कांग्रेस से बोलते कि चाइना भारत में घुस गया। चाइना भारत में चीन के छक्के छुड़ा रखे मोदी ने। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है ना मिलेगा, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ ना होगा। हम तो कह रहे जब तक ये जिए जब तक यही प्रधानमंत्री रहे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।